लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। स्कूल जा रही छात्रा को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचला। चोरों का आतंक, अंडरपास में पानी निकासी के लिए बना ग्रिल उखाड़ ले गए चोर। जब 4 साल का बच्चा पहुंचा जज के सामने जमानत कराने, एक लाइन ने बदल दी जिंदगी मोची की किस्मत। बाइक पर आए शातिर और लाखों का माल लेकर हो गए फरार। अब खबरें विस्तार से। कनखल थाना क्षेत्र में हुए एक हादसे में स्कूली छात्रा की मौत हो गई। स्कूल जाती छात्रा नूर बानो को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली कुचलकर निकल गई। घटना कनखल के ग्राम गाड़ो वाली क्षेत्र की है। कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली नूर बानो घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में पीछे से आती तेज रफ्तार खनन सामग्री से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे टक्कर मारकर कुचल दिया। राजधानी नई दिल्ली में चोरों का आतंक किस कदर है, इसकी वानगी दक्षिण दिल्ली के सरिता विहार अंडरपास को देखकर लगाई जा सकती है। आपको बता दें कि चोर अंडरपास में पानी की निकासी के लिए सड़क पर लगाई गई लोहे की ग्रिल तक निकाल कर ले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महाराजगंज जिले में यूपी पुलिस का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया। पुलिस ने 4 वर्षीय बालक से शांति भंग होने के अंदेशे में पाबंद कर SDM को रिपोर्ट भेज दी। इसके बाद 4 वर्षीय सरफराज को नोटिस भेज दिया गया। बारातवाफ के दिन निकले जुलूस में विवाद हो गया। विवाद के बाद मिठोरा चौकी पुलिस ने जगदौर गांव के 4 वर्षीय सरफराज समेत 22 अन्य लोगों को 107-16 में पाबंदी कर निचलोल थाने में रिपोर्ट भेज दी। कहते हैं भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। कुछ ऐसा ही वाकया जिंद के उस मोची के साथ भी हुआ, जिसको जूतों के अस्पताल से प्रभावित होकर महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने उसकी किस्मत बदल दी। पूर्वी दिल्ली के जगतपुर इलाके में घर का ताला तोड़ चोर हाथ साफ कर गए। पीड़ित परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश गया हुआ था। परिवार वालों के मुताबिक चोरों ने 40,000 कैश और 30 तोले सोने सहित करीब 12 लाख का माल लेकर फरार हो गए। चोरी के बाद भागते हुए चोरों की तस्वीर CCTV में कैद हो गई है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंडिया ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।